देवरिया में हुए खूनी तांडव के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है। कहा जा रहा है कि यूपी के सीएम का बुलडोजर आरोपियों के घर पर चल सकता है। अभी गिरफ्तार 16 लोगों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब आरोपियों के घर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने खालिहान, परती और ग्राम समाज की भूमि के साथ नामजद हत्या आरोपितों के मकान की भी पैमाइशी यानी नपाई की है। 10 घंटे तक चली नाप खोज के दौरान कई जगह अवैध निर्माण मिले जहां अब बुलडोजर चल सकता है। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का डर इस कदर आरोपियों के अंदर बैठ गया है कि फतेहपुर और आसपास के 4 गांवों में उपद्रवी घर छोड़कर फरार हो गए हैं। बता दें कि फतेहपुर गांव में सत्यप्रकाश दुबे और पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के बीच जमीन का विवाद था। बताया जा रहा है कि सत्यप्रकाश के भाई ने अपने हिस्से की करीब 10 बीघे जमीन प्रेमचंद को दे दी थी। इस बात से सत्यप्रकाश खफा था। प्रेमचंद उसकी जमीन जोत और बो रहा था। सत्यप्रकाश ने कोर्ट केस भी कर रखा था। इससे पहले विवादित जमीन की पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में पैमाइशी भी हुई थी। ये मामला थाना रुद्रपुर के फतेहपुर गांव का है। जमीन को लेकर दोनों के बीच काफी समय से झगड़ा चला ही आ रहा था, लेकिन 2 अक्टूबर की सुबह जैसे ही प्रेमचंद यादव की लाश मिली, इस जमीनी झगड़े ने खौफनाक रूप ले लिया। प्रेमचंद पक्ष के लोगों ने आधे घंटे के भीतर सत्यप्रकाश के घर पर धावा बोल दिया और फिर सत्यप्रकाश, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे की लाठी डंडे धारदार हथियार से वार करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या में इस्तेमाल लाठी डंडे और फावड़े की बरामदगी कर पुलिस ने सभी को न्यायालय में प्रस्तुत किया है। सभी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने किसी भी आरोपित की कस्टडी रिमांड नहीं मांगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।